नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप उत्तरी अरावली की लगभग सारी चोटियां एक बार में ही याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो वीडियो में मैं ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन चोटियों से संबंधित गलत नहीं होगा। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चोटियाँ हैं वो जनरली पेपर में पूछी जाती हैं। बहुत सारे लोग डायरेक्टली रूप से इसकी ट्रिक बनाते हैं और वो नंबर याद नहीं रखते हैं, जिससे कभी कभी सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आता है और इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं डायरेक्टली रूप से चोटी को कैसे याद करेंगे, उसके नंबर्स को कैसे याद करेंगे, इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा। इससे पहले बता दूं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं स्मार्ट स्टडी के, और इसी प्रकार की ट्रिक्स को वहां पे भी प्राप्त कर सकते हैं। डिटेल के साथ वहां पे भी कंटेंट को आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो दिया गया है उसको आपको ध्यान से देखना है कि किस प्रकार की चोटी और कितने नंबर। हो सकता है कि आपके पास कोई अदर्स बुक हो, उसमें ये हो सकता है कि आपको जो चोटी है उसमें थोड़ी सी जो वेरिएशन है, ये सारी चोटियाँ मीटर में दी हुई है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपके पास किसी बुक में जो डेटा हो तो थोड़ा सा एक दो मीटर आगे पीछे हो सकता है, इसको बिल्कुल भी माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि इतना अप्रोक्स डेटा या इतना नज़दीक का डेटा कभी भी डिफरेंस में नहीं दिया जाता है। सबसे पहले आपके पास चोटी है कौन सी वाली, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी दी है दोस्तों, तो 1055 दी है। हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे इसके जस्ट बाद, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो आपको याद कैसे रखना है, रघुनाथगढ़ कहाँ पर है, सीकर में। ये सारे तो आपको पता होगा कि कौन सी चोटी कहाँ पर है, तो इसको इसके बारे में ये ध्यान रखिएगा कि दिया हुआ है कि रघु, तो रघु नाम का एक लड़का था दोस्तों, उसको क्या लगी, सी का मतलब हमने कहा कि ठंड लगी, ठीक है, सीकर में स्थित है, हमने कहा उसको ठंड लगी, तो उसको क्या किया गया कि उसको 5-5 करके दो इंजेक्शन लगाए गए। कितने लगाए गए, 2 इंजेक्शन, तो टोटल इंजेक्शन कितने लगे उसके, 10 इंजेक्शन लगे। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, अगर आपके सामने ऑप्शन में आता है कि रघुनाथगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी, तो आपको पता है 5-5 करके कितनी बार इंजेक्शन लगे, 2 लगे, टोटल इंजेक्शन कितने लगे, 10 लगे, क्योंकि वो उसको क्या लग गई थी, ठंड लग गई थी, तो रघु को सी लगी मतलब ठंड लगी। तो इससे आप आसानी से फर्स्ट चोटी को याद कर लेंगे। सेकंड वाली दी है खोह, और खोह कहाँ पे दी है, जयपुर दिया है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको, आपने कभी खो खो खेला होगा दोस्तों, तो खो खो में क्या करते हैं कि जैसे भागते हैं, भागते हैं मतलब हम नॉर्मल भाषा में बोलें तो भागने का मतलब क्या होता है, 9-2-11 होना, लेकिन आप यहाँ याद रखिएगा 9-2-0 को याद रखिएगा, क्योंकि 9-2-11 तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि 9-2-11 करोगे तो 9200, इतनी ऊंची तो चोटी है नहीं राजस्थान में कोई भी। तो आप कैसे याद रखोगे, 9-2-11 होना मतलब खो खो में क्या करना, भाग जाना। तो इस प्रकार से आप दूसरी चोटी को आसानी से याद रखिएगा, सेकंड वाली चोटी ये बनने वाली है। अगला वाला है भेराज, कहीं आपको भेराज च लिखा हो भी मिल जाएगा और कहीं पे भेराज जय लिखा, दोनों ही एक ही है, केवल आपको हिंट मिलना चाहिए कि किस चोटी के बारे में बात की जा रही है। भेराज जो है वो अलवर में है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हमें आपको केवल ये नंबर से याद करवा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप याद करेंगे। वैसे चोटियाँ आपको पता होगी कि किस जिले में अवस्थित है या किस जिले में स्थित है। यहाँ पर दिया है 7, 9 और 2 दिया है। अब आप एक चीज़ को ध्यान से देखिए, यहाँ पर भेराज है, अगर ग्रामीण भाषा में बोलें तो भेरा का मतलब होता है 7 में रहना, इस प्रकार से। तो आप कैसे याद करोगे कि 7 में रहना मतलब चोटी दी है 7, 9 और 2, ठीक है। तो भेरा मतलब 7 रहना, तो 7 तो वैसे आ गया, और इसके साथ ही 2, तो कितने 7 आएंगे तब 9 बनेंगे, तो 7 और 2 मिलके कितने बन जाएंगे दोस्तों, 9 बन जाएंगे। तो भेराज की ऊंचाई कितनी बन जाएगी, 792 बन जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं इसको, मैंने कहा कि भेरा का मतलब होता है 7 में रहना, तो 7 तो ऐसे हो गया। अब भेरा मतलब 7 में रहेंगे तो क्या ज्यादा संख्या बनेगी, तो कितने रहेंगे, 7 और 2 दोनों 7 मिलकर रहेंगे, तो कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो जब भी आपके पास ऑप्शन में दिखेगा तो आपको ऑटोमेटिकली याद आएगा कि 7 और 2 मिला के हमने कितने किए थे, 9 किए थे। आप आसानी से उसको याद रख सकते हैं। कोई भी ट्रिक मत बनाइएगा कि रघु या इस प्रकार की, कोई भी ट्रिक मत बनाइएगा, डायरेक्ट चोटियों को याद कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली रूप से चोटी का नंबर पूछ लिया जाता है। अगले की बात करें तो बरवाड़ा, दोस्तों आपको पता होगा अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो बरवा का मतलब होता है जलने से होता है, ठीक है ना, जिसे बुरिड बोलते हैं ना, बी से बुरिड भी याद रख सकते हैं, जलने से संबंधित होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, ये कितना है, 786, और 786 मुस्लिम समुदाय में ये बोल सकते हैं कि फेवरेट नंबर माना जाता है, तो याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे बर दिया है, तो बर का मतलब क्या होता है, बुरिड होता है, और मुस्लिमों में जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है। तो आप आसानी से याद रखिएगा 786 किसका नंबर है, मुस्लिमों का, उनमें जलाया नहीं जाता, मतलब बिल्कुल अपोजिट चल रहा है, तो आप आसानी से उसको याद रख सकते हैं। अगली चोटी की बात की जाए तो दिया हुआ है बाबाई, बाबाई का मतलब क्या होता है, बाबाई भी मिल जाएगा, जैसा भी झुंझुन में आपको बताएं, तो आप याद कैसे रखेंगे, 7-8 लोग मिलकर क्या करते हैं, बाबा का झुंझुना बजाते हैं। तो याद रखिएगा 7-8 लोग मिलकर क्या करते हैं, बाबा का झुंझुना बजाते हैं, इससे याद रखिएगा, आप आसानी से याद कर लेंगे।
अगली चोटी की अगर मैं बात करूं तो आपको दी है बिलाली। अब ध्यान रखिएगा, कोई कोई ज़्यादा बिलबिलाता कब है, मतलब ज़्यादा शेर कब बनता है, जब उसके पास दो बार क्या आ जाए सत्य, दो दो बार उसके पास क्या आ जाए सत्य आ जाए या सत्ता आ जाए। आप सात से सत्ता याद रखिएगा, और कितने बिल्ले मिल जाए, पाँच बिल्ले मिल जाए, तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा बिलबिलाते हैं। तो आप याद रखिएगा, बिलाली चोटी की अगर आपसे ऊँचे ही पूछ ली जाए तो डायरेक्ट रूप से आपको ये याद आएगा कि सत्ता आने पर लोग क्या करते हैं, किसी का एक बार सत्ता आई तो ठीक है, दो दो बार सत्ता आ जाती है तो वो क्या करता है, बिलबिलाता है। तो ध्यान रखिएगा, सात सात पाँच को याद रखिएगा, बिलाली आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगली चोटी की बात करूं तो मनोहरपुरा, इसको डायरेक्टली रूप से ऐसे याद रखिएगा, सात चार सात करके उसने मन को हर लिया, सात चार सात मतलब आगे भी सात पीछे भी सात, तो इस प्रकार से उसने क्या कर लिया, मन को हर लिया। आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। अगली चोटी की बात करें तो बेराट है, ये जयपुर वाले क्षेत्र में है, विराटनगर। तो इसको ध्यान रखिए, किसी भी चोटी के बीच में दोस्तों जीरो नहीं आ रहा है, और जीरो का मतलब शून्यता होता है। किसी के कान में अगर शून्यता उत्पन्न हो जाती है तो क्या हो जाता है, बहरा हो जाता है। तो आप आसानी याद रखिएगा इस जीरो के माध्यम से, किसी भी चोटी में बीच में आपको जीरो नहीं दिखेगा, केवल ये चोटी है जिसमें आपको जीरो दिखेगा। आप आसानी से याद रख सकते हैं क्या, सात से आप शोर याद रखिएगा और जीरो से शून्यता को याद रखिएगा, आसानी से आप उसको याद रख सकते हैं। अगली चोटी की बात करूं, इस वीडियो को एक और बार देखिएगा, आप आसानी से आपको एक बार में सारी चोटियां याद हो जाएंगी, नंबर्स याद हो जाएंगे कि कौन सी चोटी के कितने नंबर्स हैं और कौन सी चोटी की कितनी ऊंचाई है। सर इसका की बात करूं तो सर से छः याद रखिएगा, और छः के साथ क्या है कि छः लोगों ने कितनी बार रिस्क ली, सात सात बार रिस्क ली, कितनी बार रिस्क ली, सात सात बार। तो सर इसका आपको पता ही है अलवर में है, और छः लोगों ने सात सात बार रिस्क ली, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं सर इसका की। अगली की बात करें तो कौन सी वाली, सीरावास है दोस्तों। सीरा का मतलब क्या होता है, अगर ग्रामीण भाषा में बोला जाए तो सीरा का मतलब होता है हलवा, और हलवे में हम ये याद रखेंगे कि उसमें कितनी चीज़ें डाली जाती है, छः चीज़ें डाली जाती है। हमने उसमें कितनी चीज़ें डाली, पाँच डाली, कितनी कम डाली, एक चीज कम डाली। तो याद रखिएगा 651 जो है वो किसकी है, सीरावास की है, ये भी अलवर वाले साइड में है। इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हैं कि हलवे में छह चीजें डालनी थी, हमने कितनी डाली, पांच, कितनी कम डाली, एक। तो इससे याद हो जाएगा 651 इसकी टोटल हाइट होने वाली है। अगली चोटी की अगर बात की जाए दोस्तों तो चोटी कौन सी वाली है, भानगढ़ है। भानगढ़ आपको पता ही है भूतिया के रूप में जाना जाता है, तो वहाँ पे जाने कितने चाहिए लोग थे, छः और चार, टोटल मिला के कितने, दस लोग जाने चाहिए थे, लेकिन भानगढ़ भूतिया होने कारण से एक व्यक्ति डर के भाग गया, तो कितने हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा नौ लोग ही जा पाए। तो 650 टोटल बनने वाली है कि छः और चार मिलकर दस होने चाहिए थे, एक ये भानगढ़ भूतिया होने से एक व्यक्ति भाग गया, तो बच कितने गए, नौ बच गए। तो छः चार नौ आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। अगली चोटी की बात करूँ तो कौन सी है, नाहरगढ़। नाहर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल भाषा में हम शेर से लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो नाहर का मतलब क्या होता है, शेर। और शेर जब अपनी तरफ आ रहा था तो हमने पांच बार क्या बोला, नो नो बोला, हमने ये कहा कि नो नो हमारी तरफ मत आओ, तो हमने क्या बोला, पांच बार बोला, और क्या बोला, नो नो, इस प्रकार से बोला। तो याद रखिएगा 12 चोटियां हैं और आसानी से आप याद कर लेंगे। चलिए ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं कि कौन कौन सी चोटी कौन कौन सी है। इसके अंतर्गत हमने अभी बात की थी रघुनाथगढ़ की, तो कितनी थी, 1055 थी। मैंने कहा था कि पाँच पाँच करके कितने, 10 इंजेक्शन लगाए। खो के बारे में मैंने बताया था 9211 होना, मतलब 920 होना। भेराज के बारे में मैंने दोस्तों आपको बताया था कि कितना होना चाहिए, मैंने कहा भेरा का मतलब सात होता है, तो सात और कितने, दो, और बीच में कितना आ जाएगा, नौ, मतलब सात और दो मिला के कितने बन गए, नौ बन गए। तो तीन चोटियाँ तो आपको आसानी से वैसे याद होगी, इस प्रकार से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगली चोटी की बात करूँ तो बरवाड़ा, मैंने कहा कि बरवा का मतलब होता है बुरिड, और बुरिड मतलब कि मुस्लिमों में जलाते नहीं, और उनका फेवरेट नंबर कौन सा है, 786 माना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाबाई की तो मैंने बताया था कि बाबा का क्या है, झुंझुना, तो कितने, सात आठ लोग मिलके क्या बजाते हैं, झुंझुना बजाते हैं, इसको याद रखिएगा। बिलाली से मैंने कहा था कि कोई व्यक्ति कब बिलबिलाता है, जब उसके पास सात सात करके दो बार सत्ता आ जाए और पांच बिल्ले मिल जाए तो वो बहुत ज्यादा बिलबिलाने लगता है। मनोहरपुरा मैंने क्या कहा था कि सात चार सात करके उसने क्या कर लिया, मन को हर लिया, तो सात चार सात करके उसने मन को हर लिया। बेराट में मैंने बताया था कि बेरा मतलब कि बहरे से आएगा, केवल बीच में एक शून्य आ जाएगा, मतलब 704 बनने वाला है, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगली चोटी की बात करूँ सरिस्का, तो मैंने कहा कि स से छः याद रखना, छः का मतलब छः होता है, और छः लोगों ने सात सात बार रिस्क ली, मतलब 677 बनने वाली है, इसको भी आप आसानी से याद रखिएगा। अगली चोटी की बात करूँ सीरावास, तो सीरा का मतलब हमने कहा था कि ग्रामीण भाषा में क्या होता है, सीरा का मतलब हलवा होता है। छह चीजें उसमें डालनी होती है हलवे में, डाली कितनी गई, पांच, बच कितनी गई, एक, तो टोटल कितनी होगी, 651। तो सीरावास की ऊंचाई कितनी है, 651 मीटर है। भानगढ़ के बारे में मैंने बताया था कि भानगढ़ क्या है, भूतिया है। छह और चार मिलके होने कितने चाहिए थे, वहां जाने वाले लोग कितने थे, भानगढ़ जाने वाले लोग थे छह और चार, अलग अलग थे, अलग अलग ग्रुप था, टोटल मिलके 10 होने चाहिए थे, एक भानगढ़ के नाम से डर के भाग गया, तो बच कितने गए, नौ, तो छह चार नौ बन गया दोस्तों, इस चीज को याद रखिएगा। अब
अगली चोटी जैसी अगली चोटी है जयगढ़। मैंने जयगढ़ को इस जयगढ़ को देख लीजिए, जयगढ़ के बारे में डिस्कस करना भूल गए थे, तो इसको ध्यान रखिएगा। जयगढ़ कितना है, जयगढ़ पहले तो ये याद रखिएगा, जयगढ़ है कहाँ पे, तो जयगढ़ जयपुर। हमने कहा जय जय इसमें कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 600, और आप ऐसे याद रखिएगा 48। मतलब कोई व्यक्ति 600 टाइम्स अगर सोएगा और 48 मतलब हड़ताल पर जाएगा, तो कोई व्यक्ति उसकी जय जय करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा 648 इस जयगढ़ की टोटल हाइट बनने वाली है। नाहरगढ़ के बारे में मैंने बताया था कि अगर अपनी तरफ नाहर आता है तो हम 5 बार क्या बोलेंगे, नो नो बोलेंगे। तो इस प्रकार से 12 चोटियों की ऊंचाई आप एक बार में याद कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।